मौजूदा राजनीति की तस्वीर देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ सकेंगे कि 2019 के रण में रोजगार, व्यापार और विकास के हुंकार से ज्यादा हिंदुत्व का मुद्दा छाया रहेगा, क्योंकि हमारे देश की राजनीति उसी राह पर चल पड़ी है। जब अयोध्या का केस चल रहा था, कांग्रेस के नेता राज्यसभा के सदस्य सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि 2019 तक केस मत चलाओ, क्योंकि 2019 तक कहीं चुनाव है। क्या भाइयों बहनों, देश के न्याय तंत्र को इस प्रकार से राजनीति में घसीटना उचित है क्या? बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा से ही आक्रामक रही है। उसकी राजनीति का सार संसार ही हिंदुत्व रहा है, मगर पिछले कुछ चुनाव देखेंगे तो समझ आएगा कि कांग्रेस भी बीजेपी के हिंदुत्व को छीनकर आगे बढ़ जाना चाह रही है। गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमते रहे और कांग्रेसी उन्हें जनेऊधारी ब्राह्मण साबित करने में जुटे रहे। कि ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊधारी हिंदू हैं। गुजरात के बाद कर्नाटक चुनाव में भी हिंदुत्व का मुद्दा छाया रहा। उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की कट्टर छवि रखने वाले योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए लगाया गया और उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को गर्म रखा। राहुल गांधी आपके मध्य प्रदेश में आए होंगे, पता नहीं यहाँ पर मंदिरों में गए कि नहीं गए दर्शन। लेकिन गुजरात में उन्होंने बहुत मंदिरों के दर्शन किए, लेकिन जब मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे घुटनों के बल बैठे, तो पुजारी को बोलना पड़ा कि भैया ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने तो हिंदुत्व को उग्रवादी बताकर एक नई ही बहस छेड़ दी थी। हिंदुत्व उग्रवादी अंत हैं। कर्नाटक चुनाव के अलावा हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में भी हिंदुत्व की गूंज सुनाई दी। राहुल गांधी का गोत्र और हनुमान की जाति का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी लगातार खुद को हिंदू हित की पार्टी कहती रही है, मगर अब सेकुलर पार्टी के तौर पर पहचान रखने वाली कांग्रेस ने भी हिंदुत्व का रास्ता पकड़ लिया है। जाहिर सी बात है कि 2019 में जंग इस बात की होगी कि किसका हिंदुत्व ज्यादा धारदार है।